जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। फजल बख्श कैसा है? अच्छा है ना? खूबसूरत है ना? किसके लिए ये? अरे जिसके लिए भी लाया हूं तुम बस कबूल करो। मेरे लिए लाए हो? निम्रा के लिए लाया हूं। इतनी पागल लड़की है और उसे तो फूल ही नहीं पसंद, एलर्जी है उसे। तो तुम भी रख लो, खुशबू भी बहुत अच्छी है। और तुम्हें पता है पूरे 5,000 का बनवाया ये मैंने। जानते हो किसी लड़की को फूल देने का मतलब क्या होता है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? फूल ही नहीं, मैं खाना भी लेके आया हूँ। 5-स्टार होटल में लेके गया था, 24,000 का बिल बना है, लेकिन उसने तो खाना नहीं खाया। बहुत पागल लड़की है वो। हाँ तुम ये फूल रख लो और फिर देर बाद हम खाना भी खा लेंगे। बाहर में जाओ तुम, तुम्हारे फूल। अरे और तुम्हारी इमरा 24 और 5 पूरे 29,000 की उस पर खर्च कर आए हो। मेरा चेक किधर है? मेरे 1,00,000 रुपए दो मुझे, मुझे नहीं पता। अरे वो तो मैं हर जा आया। हाय ना फजल बख्श, तुमने सारे पैसे उस पर लुटा दिए। भागे तुम्हें पता है वो कितने इंपॉर्टेंट थे, कितने अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे और तुमने सारे। अरे बस 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 दोस्त की बात है यार ये। कल तक तो तुम मुझे अपना दोस्त कह रही थी और आज कैसे मेरे साथ पेश हो रही हो? अफसोस है यार तुम पे। और ये हाँ ये तुम्हारे पूरे पैसे ये देख लो। हाँ निम्रा के लिए मैंने खुद पैसे कमाए थे। बड़े अफसोस की बात है तुम पे यार, बड़ा अफसोस है तुम पर। ऐसा भी कोई अपने दोस्त के साथ करता है क्या? एग्जाम लगाया मुझ पे, बहुतान लगाया मुझ पे। अच्छा सुनना। हाँ आई एम सॉरी फजल बख्श, तुम्हें पता है कि ये पैसे किसी के लिए कितने इम्पोर्टेंट थे? शुगर लो हो रहा है यार मेरा। सेब खाने चले? हाँ चलो नीचे चलते हैं, सेब खाते हैं। हाँ आ जाओ यार, क्या देख रही हो? चलो सेब खाने चलते हैं, चलो आ जाओ। पैसे तो पूरे तुम्हें पता है मैं पैसों के लिए इतनी सेंसिटिव क्यों हूँ? हाँ पता है, तुम और सलमान साहब मिलकर पैसों से बच्चों की डोनेशन करते हो। मुझे पता है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। बात सुनो, वो तुमसे कुछ छुपाती भी है क्या? तुम्हारे बारे में कुछ नहीं छुपाती, सब बता देती है मुझे। हाँ वैसे मेरी बात सुनो, अगर बच्चों की डोनेशन में मैं भी हिस्सा डालना चाहूँ तो क्या मैं हिस्सा डाल सकता हूँ उसमें? तुम कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि डोनेशन की कमाई हमेशा हलाल होनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए। है ये डोनेशन में हलाल हराम कहाँ से आ गया यार? क्योंकि मेरी सोच ना सबसे मुख्तलिफ है। अच्छा कैसे? तुमने कभी बारिश का पानी देखा है? हाँ कितना साफ और कितना पाकीज़ा होता है। आधा पानी तो दरियाओं में गिर जाता है और आधा गंदे नालों में गिर जाता है। हाँ हाँ अगर हम उसमें से कोई पानी पिए तो हम कौन सा पानी पिएंगे? दरिया वाला, ऑब्वियसली दरिया वाला पाक होता है। एग्जैक्टली और हम गंदे नाले का पानी क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो नापाक होता है। बिल्कुल दुरुस्त, इसी तरह मेरी सोच भी है कि डोनेशन में ज्यादा हराम हो या कम हराम हो तो वो डोनेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वाह वाह।
कैसी सोच की मालकिन हो तुम यार। रश्क आता है मुझे तुम्हें देख कर यार, रब ने तुझे इतनी अच्छी नेमत से नवाजा यार, बहुत बढ़िया बात यार, बहुत बढ़िया। थैंक यू फजल बख्श। अच्छा तो तुम ने सोचा कि तुम कैसे डोनेशन में हिस्सा डालोगे? तुम्हारा कोई आगे पीछे है? तुम्हारा कोई? मेरा तो यार, मेरा ना कोई रिलेटिव है ना कोई है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, बट मैं डोनेट तो नहीं कर सकता, प्रॉब्लम है यार मेरे साथ, मैंने तो बस तुमसे पूछा था। चलो कोई बात नहीं। गाइस तुम लोग बताओ ये मैंने मिनी एक्टिंग कैसे की। ये मैंने रोल किया शिमला का और वो मैंने रोल किया फजल बख्श का। छोटी सी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ये मिनी सी एक्टिंग मैंने की है, सो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आने वाली नई वीडियोज भी और मेरा सॉन्ग अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जाकर मेरा सॉन्ग भी देख लीजिए। एंड उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।